So today we are going to discuss a range break strategy. Let me first introduce myself. I am Vikram Bajaj. I work as CEO at Aetron. And based on previous videos feedback, I'll conduct this strategy in Hindi this time. तो आज हम एक रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। इसमें हम कस्टम लिस्ट बनाना सीखेंगे स्टॉक्स का, और स्ट्रैटेजी का जो क्वांटिटी है, तो हर स्टॉक में क्वांटिटी क्रिएट करना है, वो डायनेमिकली बेस्ड ऑन एक फॉर्मूला डिसाइड होगा। तो विल स्टार्ट विथ सेट वन। सेट वन में आप पहले अपना लिस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट ऐड करूँगा। वहाँ पे मैंने विक्रम लिस्ट वन करके एक स्ट्रैटेजी डिफाइन एक लिस्ट डिफाइन की है। मुझे सिर्फ एनएसई स्टॉक, अगर आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो आप यहाँ एनएफओ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कैश इक्विटी में ट्रेड करना है तो आप एनएसई एक्सचेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप आपके चॉइस के जो स्टॉक्स है, जो आपका आपके कंडीशन चेक के लिए आपको जो स्ट्रैटेजी जो स्टॉक सेलेक्ट करने हैं वो आप यहाँ लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो मैंने अभी के लिए HDFC और रिलायंस और टाटा स्टील, तो ये तीन स्टॉक्स मैंने अपने लिस्ट में फिलहाल ऐड किए हैं और मैंने लिस्ट सेव कर दी है। अब मैं देखूंगा तो यहाँ मेरे लिस्ट में ये लिस्ट नेम यहाँ विजिबल है, तो मैंने ये लिस्ट सेलेक्ट कर ली है। तो स्ट्रैटेजी है कि मॉर्निंग का कुछ एक टाइम फ्रेम, लेट से 9:15 से 9:30 का जो प्राइस रेंज है हर स्टॉक का, इसको हम डेली डे का ट्रेडिंग रेंज बना देंगे। तो लेट से अगर रिलायंस ने 14:50 का हाई बनाया है इन फर्स्ट 15 मिनट्स और 14:20 का लो है, तो ये 30 पॉइंट्स का रेंज है जिस पे हम ट्रेड करना है। तो ये रेंज कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो आप एड कंडीशन में जाके यहाँ पे कीवर्ड्स के लिस्ट देख सकते हैं। इसमें से एक कीवर्ड है ओआरबी, जो ओपन रेंज ब्रेकआउट के नाम से हमने बनाया है। इसमें आप यहाँ इंस्ट्रूमेंट नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको ओपन हाई लो या क्लोज जो भी वैल्यू सेट करनी है आप वो सेट कर सकते हैं, और इस किस टाइम रेंज में होना चाहिए तो आप यहाँ पे स्टार्ट टाइम और एंड टाइम डिफाइन कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली सिर्फ इसी टाइम विंडो का हाई लो या ओपन क्लोज जो भी आप वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं वो सेव हो जाएगा। तो मैं अभी के लिए इसको मॉडिफाई करके आई विल मेक इट ओपन AM टू 10:30 AM लेट्स से। तो 10 से 10:30 के बीच का जो हाई वैल्यू है वो ये रिटर्न करेगा, और किस चीज का रिटर्न करेगा, तो यहाँ से हम NSE सेलेक्ट करेंगे और लिस्ट नेम सेलेक्ट करेंगे जो हमने अभी क्रिएट की थी इस स्ट्रेटेजी के लिए। तो विक्रम लिस्ट वन, ये स्ट्रैटेजी का लिस्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं इसे कंपेयर करूंगा LTP से। LTP का इंस्ट्रूमेंट भी सेम रहेगा, इसी लिस्ट के इंस्ट्रूमेंट्स पे मैं ये कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ। तो कंडीशन है इफ LTP इज ग्रेटर देन हाई वैल्यू, अगर लास्ट ट्रेड प्राइस इस हाई वैल्यू के ऊपर जाता है तो आई वॉन्ट टू बाय। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी जब आप एड पोजीशन पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिस्ट नेम आ गया है सिलेक्टेड, जो आपने लिस्ट क्रिएट करके यहाँ पे सेट वन में सिलेक्ट किया था। ऑर्डर टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड है या MIS है, तो दिस इज इंट्राडे ट्रेड, तो मैं इधर MIS सेलेक्ट करूंगा। नाउ क्वांटिटी, तो क्वांटिटी का फॉर्मूला पहले हम इधर समझ लेते हैं। तो लेट्स से एक कोई स्टॉक है जिसका हाई है 10 to 10:30 का हाई है 100 रुपीज और लो है 90 रुपीज, तो जो डिफरेंस है और हाई लो रेंज है दैट इज ऑफ 10 रुपीज, और लेट्स से अगर मुझे 1000 रुपीज का स्टॉप लॉस मैक्सिमम डिफाइन करना है एक ट्रेड के लिए, तो क्वांटिटी कैलकुलेशन विल बी 1000 डिवाइड बाय दिस रेंज, तो 1000 डिवाइड बाय 10 विच इज 100, तो 100 क्वांटिटी ट्रेड करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर कोई स्टॉक ने 1200 का हाई बनाया है और 1185 का उसका लो है, तो डिफरेंस आप यहाँ देख सकते हैं,
यहाँ पर भी मुझे अगर 1000 रुपीज का ही स्टॉप लॉस रखना है तो ये यहाँ मुझे बता देगा इस पर्टिकुलर स्टॉक का मुझे सिर्फ 66 क्वांटिटी ट्रेड करना है, ठीक है। और जैसे ही LTP इस लो रेंज के नीचे जाएगा, लो वैल्यू के नीचे जाएगा, हम इस यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं क्योंकि 1000 रुपीज का स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इस कंडीशन को यहाँ कैसे डिफाइन, इस फॉर्मूला को, क्वांटिटी के फॉर्मूला को यहाँ कैसे डिफाइन करना है वो देखेंगे। तो आपको यहाँ FX पे क्लिक करना है, जैसे फॉर्मूला बिल्डर ओपन हो जाएगा, यहाँ पे हम सेम फॉर्मूला लिखेंगे। इस तरह से 1000 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस है, आपने वो डिफाइन कर दिया, इसको डिवाइड करेंगे और सेम ORB फंक्शन यहाँ यूज करेंगे, 10 AM 10:30 AM हाई वैल्यू, इंस्ट्रूमेंट नेम विल बी सेम NSE, लिस्ट व्हिच आई क्रिएटेड माइनस, यहाँ पे इस टाइम हम लो सेलेक्ट करेंगे। तो हाई और लो का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। नेम अगेन NSE, इस पैकेट को क्लोज कर देंगे और ये आपका फॉर्मूला डिफाइन हो गया है क्वांटिटी के लिए। तो जो करंट प्राइस है एक स्टॉक का और उसका जो हाई लो रेंज है उसके बेसिस पे वो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला फाइंड कर लेगा कि इसे कितनी क्वांटिटी ट्रेड करनी है। यू कैन सी ये फॉर्मूला यहाँ पे आ गया है। एग्जिट कंडीशन भी सिंपल रहेगा, LTP इंस्ट्रूमेंट का NSE लिस्ट लेस देन और बिलो 10 to 10:30 लिस्ट नथिंग। तो यहाँ पे आपने एग्जिट कंडीशन भी डिफाइन कर दिया, तो जैसे ही लो वैल्यू के नीचे आया इट विल एग्जिट। अगर इसमें लेट्स से आपको टारगेट प्रॉफिट डालना है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेट्स से 2 टाइम्स ऑफ दिस रेंज, जो भी हाई और लो का रेंज है उसे 2 टाइम्स आपको टारगेट प्रॉफिट रखना है। अगर 10 पॉइंट्स का हाई लो रेंज है तो आपको 20 पॉइंट्स का टारगेट प्रॉफिट रखना है, तो आप वो भी यहाँ पे ईजिली कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट आपको देना है LTP शुड बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स, इसलिए नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय रेंज सेलेक्ट करने के लिए हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे, यहाँ पे लो की जगह हाई, माइनस तो लेट्स से हाई अगर 100 है तो 100 माइनस एंड लो 90 है तो 100 माइनस 90 विच इज 10, 10 into 2 और 20 पॉइंट्स का रेंज बन गया। और इसमें हमें एंट्री प्राइस ऐड करनी पड़ेगी जो ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट कीवर्ड से हम ले सकते हैं। एंट्री प्राइस ऑफ यहाँ पे फिर से लिस्ट डिफाइन कर देंगे, क्योंकि ये सेट वन है इसलिए मैं आज सेट वन सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंडीशन वन, और हमारे सेट में एक ही लेग है एंट्री में इसलिए वन। अगर इसमें 2 लेग्स होते हैं, सेकंड लेग का एंट्री प्राइस मुझे चाहिए तो यहाँ पे आप 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। जो हमने ये चीज़ हमने प्रीवियस वेबिनार में भी डिस्कस किया था कि आप ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज कर सकते हैं, तो अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप वो वीडियो फिर से एक बार रेफर कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो आपने एग्जिट कंडीशन टारगेट प्रॉफिट भी यहाँ डिफाइन कर लिया है। अब सिमिलरली जैसा हमने ये बाय के लिए किया है, हम सेम चीज सेल के लिए रिक्रिएट करेंगे।
तो इसके लिए वी कैन इजीली यूज कॉपी पेस्ट फीचर। यहाँ पे सेम लिस्ट विल सेलेक्ट अगेन, हम एंट्री कंडीशन को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लिया, सॉरी एंट्री में यहाँ पेस्ट कर लिया। यहाँ पे हमें एलटीपी जब नीचे जाएगा लो वैल्यू से तब हमें ट्रेड करना है, तो ग्रेटर की जगह लेस देन साइन यूज कर लिया और हाई की जगह लो सेलेक्ट कर लिया, तो आपका एंट्री कंडीशन रेडी हो गया। सिमिलरली एग्जिट के लिए हम सेट वन का एग्जिट कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पेस्ट कर लिया। यहाँ पे अगर लास्ट ट्रेडेड प्राइस हाई वैल्यू से ऊपर जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हाई यूज करेंगे। और टारगेट प्रॉफिट के लिए वैल्यू लेस देन होनी चाहिए, रेंज सेम रहेगा, पर यहाँ पे प्लस की जगह हम माइनस करेंगे। तो दिस विल बी एक्चुअली एंट्री प्राइस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई रेंज। अब यहाँ पे ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट में क्योंकि ये सेट 2 है इसलिए हम यहाँ पे सेट नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। तो आपका एग्जिट कंडीशन भी डिफाइन हो गया, अब जस्ट हमें एक यहाँ पे क्वांटिटी फॉर्मूला डिफाइन करना है एंड आवर स्ट्रेटजी इज कंप्लीट। तो ये भी सेम ही रहेगा, नंबर 1000 डिवाइड बाय वो अभी। आप अगर आपकी स्ट्रेटजी में मल्टीपल रेंज आपको कंसीडर करना है तो आप जितने टाइम फ्रेम से, हर टाइम फ्रेम के लिए आप एक ओआरबी कीवर्ड डिफाइन कर सकते हैं। तो आप उस तरह से भी अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं जिसमें मल्टीपल टाइम रेंज आपको यूज करना है। अपने सेल का भी ये कंडीशन ऐड करती है और आपका स्ट्रेटजी कंप्लीट है। अब सिर्फ एक यूनिवर्सल एग्जिट ऐड कर देंगे, एज दिस इज ए इंट्राडे स्ट्रेटजी, तो जैसे ही टाइम 15 से ऊपर हो जाता है तो वी वांट टू एग्जिट ऑल द पोजीशन 15। हाँ, क्योंकि टाइम कीवर्ड जो है वो एफएसएमएम फॉर्मेट में टाइम रिटर्न करता है, तो 3:15 को वी विल डिफाइन एज 15:15, और जैसे ही टाइम इसके ऊपर जाता है इट विल एग्जिट ऑल द ओपन पोजिशन इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। आप चाहे तो बाद में यहाँ पे लिस्ट में और स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे यू जस्ट हैव टू गो टू एडिट और आप चाहे उतने स्टॉक्स यहाँ से ये लिस्ट से ऐड करते जा सकते हैं। सो स्ट्रैटेजी इज कंप्लीट। क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में मैंने एक लिस्ट खुद की बनाई है तो इस स्ट्रैटेजी को आप डुप्लीकेट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं इसको प्राइवेट नहीं कर रहा हूँ। बट यू कैन डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो बिकॉज इट इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड इट विल बी शेयर ऑन यूट्यूब। सो इफ यू वांट टू रिक्रिएट दिस स्ट्रैटेजी, आपको ये स्ट्रैटेजी खुद से बनाकर देखना है, तो डेफिनेटली आप ये वीडियो को रेफर करके अटेम्प्ट कर सकते हैं और हमें फीडबैक प्लीज दीजिए कि आपको ये स्ट्रैटेजी क्रिएट करना जम रहा है और नेक्स्ट वीडियोस में आप किस टाइप की स्ट्रैटेजी देखना चाहते हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज गो अहेड। तो नो क्वेश्चंस आई थिंक। सो आई थिंक इट वाज क्लियर हाउ वी हैव क्रिएटेड दिस स्ट्रैटेजी।
for range breakout with dynamic quantity. And if you have any other questions, you can definitely write to us at support@patreon.tech. Thanks, Mr. Sanjay. अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, यू वांट अस टू शो इट इन आवर नेक्स्ट वेबिनार, प्लीज डू राइट अस ऑन support@patreon.tech एंड वी कैन शो दैट स्ट्रैटेजी इन आवर नेक्स्ट वेबिनार. ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए अगेन आपने यहाँ जो लिस्ट सेलेक्ट किया है वहाँ पे लिस्ट में कोई एक फ्यूचर्स वाला लिस्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे FNO इज फ्यूचर्स लिस्ट. यहाँ पे अगर आप कोई पोजीशन ऐड करते हैं, यहाँ पे आपको कॉल का सिलेक्शन वो दे रहा है. आप यहाँ से स्ट्राइक डिफाइन कर सकते हैं ATM, या तो FX यूज करके कोई फॉर्मूला बिल्ड कर सकते हैं. जैसे अगर आपको 100 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय करना है तो यहाँ ATM टीम लिस्ट या एक स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी आपको सिलेक्ट करना है तो मैं वो सेम लिस्ट सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे. एक स्ट्राइक ऊपर या दो स्ट्राइक ऊपर की आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है. और जाकर पुट साइड में आपको आउट ऑफ द मनी जाना है तो -1 या -2 यूज करके आप दो स्टेप आउट ऑफ द मनी पुट सेलेक्ट कर सकते हैं. तो स्ट्राइक सिलेक्शन के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. क्वांटिटी के लिए आप डायरेक्टली लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ लॉट्स जितना आप सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा कितनी क्वांटिटी ट्रेड करना है. अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो आप करंट वीक या करंट मंथ ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं. तो सारी चीजें सेम रहेगी, जस्ट आपका जो लिस्ट है वो NSE टाइप की बजाय वो NFO टाइप का रहेगा. इसमें एक्सचेंज फ्यूचर ऑप्शन का एक्सचेंज है और सारे स्टॉक सिर्फ वही है जो NFO में अलाउड है. Okay, so any other questions? Welcome. Okay, so we will end our session here and we'll come up with a new strategy in our next webinar. Thank you.